पैदल हज करने जा रही बिजनौर की रहने वाली लड़की सना अंसारी को एक मुस्लिम भाई ने दिया 50,000 रुपए का चेक और कहा, बहन हम आपके साथ हैं, आप सफर करती रहो, जिस तरीके से सिहाब चतुर ने अपना हज मुकम्मल किया था आप भी करो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर के कोतवाली देहात की रहने वाली सना अंसारी को पैदल हज के लिए जाते हुए 3 दिन हो चुके हैं, जिसमें सना अंसारी कभी 25 किलोमीटर तो कभी 26 किलोमीटर चली हैं और हजारों मुस्लिम भाई बहन उनका इस सफर में साथ दे रहे हैं। कोई उन्हें पैसों का चेक दे रहा है, कोई उनकी खिदमत कर रहा है ताकि लोगों को भी सना अंसारी के जरिए सवाब मिल सके। लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट देख सना अंसारी की और भी ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है। कुछ लोगों ने हमारी पहली खबर में कमेंट बॉक्स में सना अंसारी से हज के सिलसिले में सवाल किए थे, जिनके जवाब के लिए हमारे सहयोगी सदाकत अंसारी ने सना अंसारी से पूरे 3 मिनट तक बातचीत की। देखिए इस बातचीत में सना अंसारी ने हज के बारे में क्या क्या बताया। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस बहन की हज यात्रा आसानी से मुकम्मल हो जाए। स्वागत है आपका चैनल पर। सना अंसारी, आप हज करने के लिए जा रहे हैं, 2025 की हज आप करने की नियत कर चुके हैं, पालघर से आप निकल गए हैं और लगभग 25 किलोमीटर आगे आप मनोर मस्ताना के पर आए हैं। कुछ बताइए आपके सफर के बारे में, ये जो 2 दिन आपके थे वो कैसे बीते? ये जो 2 दिन थे ये बहुत ही अच्छे गुजरे और ये मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। और 1 साल पहले से मैंने नियत की थी और उसकी तैयारी भी की थी, इसीलिए मैं पालघर से मक्का मदीना निकली हूँ हज 2025 की हज करने के लिए और मैं इंशाल्लाह वो करूँगी। तो ये मतलब आपके जहन में कैसे क्या आई ये बातें, मतलब आपको हज करना है और आप निकल गई तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, तो सबसे पहली शुरुआत मतलब आपके जहन में ये बात आई कैसे क्या मुझे हज करने जाना है, वो भी पैदल, क्योंकि रास्ते तो बहुत हैं, आप प्लेन के जरिए भी जा सकती थी, आप बाइक के जरिए भी जा सकती थी, बाय रोड भी जा सकती थी, पर ये जो आप जा रहे हैं ऑन फिट जा रहे पैदल, तो ये बड़ा ही कठिन सफ़र है और बहुत मुश्किलों भरा सफ़र है। आपको रेगिस्तान लगेंगे, उसके बाद में बिहड़ लगेंगे, बहुत सारे जंगलात लगेंगे, कुछ ठंडी जगहें लगेगी, ईरान में आपको कुछ ठंडी जगहों से गुजरना पड़ेगा, तो आप उस सब चीज़ों के लिए कैसे प्रिपेयर हो? मैं पूरी तरह से प्रिपेयर हूँ क्योंकि पहले तो हमें पता नहीं था कि पैदल भी हज कर सकते हैं, बट जैसे कि आप सबको पता है केरला के सिहाब चतुर, उन्होंने बताया है कि पैदल भी हज किया जा सकता है, तो उन्हीं से मैं इंस्पायर हूँ कि अच्छा। जेंट्स कर सकते हैं तो लेडीज़ भी कर सकती है, और ये मेरे दिल में ख्याल आया, अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये ख्याल डाला और मैंने नियत की और 1 साल से मैं तैयारी कर रही थी, तो अब जाके मेरा ये सफ़र शुरुआत हुई है सफ़र की और इंशाल्लाह ये 1 साल में पूरा होगा। तो कितने दिन पहले आपने तैयारी की, जैसे कि जाने के पहले आपने कुछ दिन तैयारी की होगी, कुछ चले होगे आप, कुछ प्रैक्टिस की होगी, तो उसके बारे में बताइए। मैं डेली प्रैक्टिस करती थी, हमारे यहाँ पालघर से खारेपुरन जाके रिटर्न आती थी, बहुत प्रैक्टिस की, 1 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही थी और पूरी प्रैक्टिस और तैयारी पेपर वर्क करने के बाद ही हम घर से निकले हैं और इंशाल्लाह रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी और हम हज करेंगे इंशाल्लाह। तो कितना किलोमीटर आप रोज चलते थे? मैं 15-20 किलोमीटर की मैंने प्रैक्टिस की हूँ, बट अभी मैं 25 किलोमीटर डेली चलूंगी। अच्छा, अभी आपने मतलब एक नियत की है कि मैं रोज की 25 किलोमीटर चलूंगी? नियत नहीं की है मैंने। अच्छा। मतलब 25 का टारगेट है। अच्छा, टारगेट कभी कम भी होगा कभी ज्यादा भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी सारी तैयारियाँ हो चुकी है? बिल्कुल। वीजास का प्रोसेस, गवर्नमेंट के परमिशंस गवर्नमेंट के सब लिए हैं और जो वीजा है वो दिल्ली एम्बेसी में जाके हम लेंगे। अच्छा। अभी उनको हमने लेटर दिया है, दिल्ली एम्बेसी में जाएंगे तो वहाँ सब प्रोसेस पेपर वर्क करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान का वीजा लेंगे, उसके बाद आगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।